एंड वेलकम टुडे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ड्यूएल्स एक्टेड जो आपके एग्जाम में हो सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से सुनिएगा और एंड तक देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि ये होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी बकवास के। जैसा आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है, सिंस यू आर वाइज यू कैन अंडरस्टैंड इट, सिंस यू आर वाइज यू कैन अंडरस्टैंड इट। यहां पर सिंस का यूज दिया गया है और हमें कहा गया है कि सिंस को हटाकर बिकॉज लगाइए, मतलब बिकॉज को हटाकर सिंस या सिंस को हटाकर बिकॉज लगाने के लिए आपको एग्जाम में दिया जाएगा। तो जब भी बिकॉज को हटाकर सिंस या सिंस को हटाकर बिकॉज लगाते हैं तो सेंटेंस को पलट देते हैं, मतलब आगे वाला सेंटेंस पहले आ जाएगा और पहले वाला सेंटेंस बाद में चला जाएगा। जैसे यहां दिया है सिंस यू आर वाइज यू कैन अंडरस्टैंड इट, तो यहां यू कैन अंडरस्टैंड को पहले लेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट। अब चूंकि मैंने आगे वाला क्वेश्चन पहले ले लिया तो जो पहले वाला क्वेश्चन है वो कहां जाएगा, एंड में, और यहां कॉमा लगा इसकी जगह आ जाएगा बिकॉज, बिकॉज सिंस यू आर वाइज, तो यहां सिंस हटा देंगे और यू आर वाइज को आगे ले जाएंगे तो यू आर वाइज, यू आर वाइज। इज इट क्लियर? तो ये इसका आंसर हो जाता है कि यू कैन अंडरस्टैंड इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट बिकॉज यू आर वाइज। जब भी बिकॉज को डाकर सिंस या सिंस को डाकर बिकॉज लगाएं, सेंटेंस को पलट देना चाहिए, क्योंकि इसका एक ही रूल है कि आप जब भी सिंस को डाकर बिकॉज लगाएं या बिकॉज को डाकर सिंस लगाएं, सेंटेंस को पलट दें। सिंस हमेशा शुरू में लगता है और बिकॉज का यूज हमेशा बीच में किया जाता है। अगला क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं हम, यहां दिया हुआ है एज सून एज का यूज, तो एज सून एज ही गेट्स सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, तो यहां पर हमको करना है नो सूनर और डॉट 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 देन का यूज। तो एज सून एज को हटाकर यहां पर देन, नो सूनर देन का यूज करना है। जब भी एज सून एज को हटाकर नो सूनर लगाते हैं तो सेंटेंस को हमेशा इंट्रोगेटिव या क्या कर देते हैं, इंट्रोगेटिव में चेंज कर देते हैं। जब भी एज सून एज को हटाकर नो सूनर लगाया जाता है, सेंटेंस को कायम चेंज कर देते हैं इंट्रोगेटिव में। जैसे यहां दिया गया है एज सून एज ही गेट्स सैलरी, तो ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यहां एज सून एज के स्थान पर क्या लगाएंगे, नो सूनर, तो यहां आंसर बनेगा नो सूनर, नो सूनर। अब ही गेट्स सैलरी को चेंज कर देंगे हम इंट्रोगेटिव में, डज ही गेट सैलरी, डज ही गेट सैलरी, तो नो सूनर डज ही गेट सैलरी, यहां कॉमा के स्थान पर आएगा देन, देन आगे का सेंटेंस क्या है, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, तो यहां आंसर आ जाएगा देन के बाद ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। तो जब भी नो सूनर को लगा अटैक नो सूनर का प्रयोग करते हैं और उसको लगाते हैं तो सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है, नो सूनर को हटाकर एज सून एज लगाएंगे तो सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा, और अगर एज सून एज हटाकर नो सूनर लगाएंगे तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनता है। अगला क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं, ही इज सो इंजर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, यहां पर आपको टू टू का यूज करना है और सो दैट को हटाना है, क्या करना है, सो दैट को हटाना है और टू टू का यूज करना है। जब भी सो दैट को हटाकर टू टू है, टू टू को हटाकर सो दैट लगाते हैं तो एक बात याद रखना कि यहां पर जो सब्जेक्ट के साथ कैन या कैन नॉट लगा होता है, मतलब जब भी टू टू लगाए तो आगे के सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट के साथ कैन या कैन नॉट लगा हो उसे हटाना पड़ता है। तो उसका आंसर इस प्रकार से बनेगा, ही इज टू इंजर्ड, ही इज टू इंजर्ड दैट, अब यहां पर टू का यूज कर दिया मैंने तो यहां सब्जेक्ट के साथ ही कैन नॉट हट जाएगा, तो यह बनेगा ही इज सो इंजर्ड That के स्थान पर लगेगा टू वॉक, तो यहां पर सब्जेक्ट के साथ कैन या कैन नॉट हटा देते, तो यह आंसर बन जाएगा ही इज टू इंजर्ड टू वॉक। अगला क्वेश्चन है, इफ यू मीट मी आई विल टेल यू, क्या करना है यहां पर, अनलेस का यूज करना है, क्या लगाना है, अनलेस। जब भी इफ को हटा के अनलेस लगाते हैं या अनलेस को हटा के इफ लगाते हैं, याद रखना अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, अनलेस का यूज हमेशा एज अ नेगेटिव सेंटेंस ही किया जाता है, नेगेटिव कंजेक्शन के रूप में किया जाता है। तो यहां पर इसको हटाने के बाद अगर मैं अनलेस लगाता हूं तो मैंने यहां जैसे लगा दिया अनलेस, तो ये सेंटेंस जो बन जाता है वो नेगेटिव, क्या बन जाता है, नेगेटिव। तो अनलेस यू मीट मी, अनलेस यू मीट मी,
अनलेस लगाते ही सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव। तो इसका मतलब होता है यदि तुम मुझे नहीं मिलते हो तो इसके अकॉर्डिंग मुझे आगे वाला सेंटेंस भी नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा, आई विल नॉट टेल यू। तो यहां आंसर बन जाता है अनलेस यू मीट मी, अनलेस यू मीट मी आई विल नॉट टेल यू। अगला क्वेश्चन जो है शी डज नॉट लाइक दिस, शी डज नॉट लाइक दैट, यहां पर नाइदर डॉट और नॉट का यूज करना है। नाइदर नॉट का मतलब होता है ना तो ना, ना तो डॉट 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 ना। जब भी नाइदर नॉट का प्रयोग करते हैं, यह भी एक नेगेटिव कंजक्शन है, जब भी नाइदर नॉट का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में नॉट नहीं लगता है क्योंकि वो अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस है। ओके तो यहां इसको जब नाइदर नॉट का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे सेंटेंस, नाइदर, नाइदर का प्रयोग करेंगे तो डॉट नॉट हट जाएगा, तो नाइदर ही लाइक्स दिस, नाइदर ही She likes this। अब जो चीज पहले वाले सेंटेंस में यूज की गई है, मतलब जो चीज आपने पहले सेंटेंस में यूज कर ली है वो नॉट के बाद दोबारा रिवाइव मतलब दोबारा नहीं लिखी जाएगी क्योंकि आपने शी डज नॉट लाइक पहले भी यूज कर लिया, तो यहां आएगा नॉट, और जो चीज पहले सेंटेंस में लग गई है वो दोबारा यूज नहीं होगी, तो यहां आएगा नॉट के बाद दैट। तो ये बन जाता है नाइदर शी लाइक्स दिस नॉट दैट। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस चैनल को लाइक करिएगा और वीडियो को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।